दोस्तों, अगर आपने अपने एंजल वन ऐप पे अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया है, या फिर कह सकते हैं आपने अपना एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया है, अकाउंट ओपन करने के बाद आप अपने अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी दोनों में से कुछ भी चेंज करना चाहते हो, या फिर दोनों चेंज करना चाहते हो, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम भी हो सकती है जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज करने के बाद में। तो वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, वो प्रॉब्लम ये हो सकती है, आपने अपने एंजल वन डीमेट अकाउंट पे कोई भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था और उसको चेंज कर दिया, यानी कि दूसरा नंबर रजिस्टर कर लिया, या फिर आपने जीमेल आईडी दूसरी रजिस्टर कर ली और उसके बाद में फिर आप दोबारा से आप जो जीमेल आईडी मोबाइल नंबर पहले से रजिस्टर्ड था आपके एंजल वन डीमेट अकाउंट से, और फिर वही वाला मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी उसमें से कुछ भी रजिस्टर्ड करना चाहते हो, तो आपको वहां पर ऑलरेडी मोबाइल नंबर एग्जिट लिख के आएगा, और जीमेल आईडी चेंज करना चाहते हो, दोबारा से वही वाली लगाना चाहते हो जो पहले लगी थी आपके एंजल वन डीमेट अकाउंट पे, तो वहां पर भी ऑलरेडी एग्जिट लिख के आएगा, यानी कि वो जीमेल आईडी वो मोबाइल नंबर दोबारा से आप एंजल वन डीमेट अकाउंट पे रजिस्टर्ड नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो भी आपको अपने एंजल वन डीमेट अकाउंट से चेंज करना है, तो आप सोच समझ के चेंज कीजिएगा, वरना आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी इस चैनल पर कोई भी इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।